अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एनएम फूड। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी झटपट बन जाने वाली इजी रेसिपी सोयाबीन के टिक्के। इसे हम गर्मा गर्म दही की चटनी के साथ सर्व करेंगे। बहुत आसान है इसे बनाना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की ये रेसिपी शुरू कर लेते हैं। यहाँ ले ली है मैंने सोयाबीन मैंने मेरे अकॉर्डिंग ली है, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे हम पानी में भिगो के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसे हमें पानी में इसलिए भिगोना है ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। चलिए सबसे पहले हम दही की चटनी बनाकर रख लेते हैं। 9 ली है मैंने बड़ी वाली मोटी वाली हरी मिर्चें। 1 लहसुन को मैंने यहाँ पर छील के रख लिया है। 1 मुट्ठी लिया है मैंने यहाँ पर हरा धनिया। 1 चम्मच लेंगे हम यहाँ पर ज़ीरा। टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे इसमें हम नमक। अब इसमें डाल देंगे हम 2 से 3 चम्मच दही। फिर इसका हम फाइन पेस्ट बनाएंगे ग्राइंडर जार से। दही की चटनी तो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। सोयाबीन हमारी फूल कर तैयार हो चुकी है, आधा घंटा हो गया है। अब इसे हम एक छलनी में पानी इसका निकाल देंगे इस तरह से। दो चम्मच डाल देंगे इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें ऐड करेंगे हम 4 से 5 चम्मच बेसन। और अब इसमें ऐड करेंगे हम चाट मसाला 1 से 1.5 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, और अब इसमें ऐड करेंगे हम धनिया पाउडर 1 चम्मच। इसमें ऐड करेंगे हम गरम मसाला। अब इसमें डाल देंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और सारे इंग्रेडिएंट्स को हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। 1 नींबू का रस मैंने कटोरी में निकाल के रख लिया है, अब इसे भी ऐड कर देंगे हम और हाथों से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। फ्राई मसाला मैंने ये वाला इस्तेमाल किया है, आप किसी भी कंपनी का फ्राई मसाला ले सकते हैं। इसे मैं ऐड करूँगी 1 से 2 चम्मच, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको फिर हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको हम कम से कम 1.5 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। एक घंटा हो चुका है, चलिए अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो फ्लेम को कर दें मीडियम और उसमें सोयाबीन को डाल दें। कम से कम सोयाबीन को हमने 5 से 10 मिनट फ्राई करना है, उसके बाद इसे हमने निकाल देना है। सोयाबीन को हमने हाफ फ्राई करना है। सोयाबीन को हमने हाफ फ्राई कर लिया है, इसको हम निकाल देंगे एक प्लेट के अंदर। फिर उसके बाद हम बची हुई जो हमारी सोयाबीन है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे ठीक इसी प्रोसेस में। इसे भी हमने हाफ फ्राई करके निकाल लेना है, मीडियम फ्लेम पर इसे हमने फ्राई करना है।
सोयाबीन को हमने हाफ फ्राई कर लिया है। चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं। फिर हम सोयाबीन को एक बार फिर फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर 5 से 10 मिनट। फिर हमने इसको फ्राई करना है। सोयाबीन इसमें ज़्यादा हो गई है, इसलिए इसमें से हम थोड़ी सोयाबीन निकाल लेंगे। सोयाबीन को हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। देखिए कितने क्रिस्पी और मज़ेदार सोयाबीन के टिक्के बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरीके से हम सारी सोयाबीन को फ्राई कर लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। देखिए कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं हमारे सोयाबीन के टिक्के। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मेरी तरफ से मेरे सारे व्यूवर्स को रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।